गणपति बाप्पा जिनके घर में जाते हैं ना, उनके घर में शांति आ जाती है। ऐसे में तो नायरा को भी ना गणपति बाप्पा को अपने घर में बुलाना ही चाहिए। अब शायद यही है जो नायरा के घर में एक बार फिर से शांति वापस ला सके। क्या क्या चल रहा है? सौ दिनों की कैट फाइट। क्या गारंटी है कि कार्तिक के लिए आपके मन में दोबारा फीलिंग्स नहीं आएंगी? बोलिए नायरा, है कोई गारंटी? कर सकती है मुझसे वादा, फीलिंग्स नहीं आएंगी? बोलिए नायरा, है कोई गारंटी? मियां बीवी में तकरार। कायरव की शरारत। तीज के त्योहार पर घर में महाभारत। स्टार प्लस के सीरियल ये रिश्ता क्या कहलाता है में तीज के त्योहार के लिए नायरा दुल्हन की तरह सज धज कर तैयार है, लेकिन नायरा का श्रृंगार देखकर वेदिका उससे भिड़ जाती है और कार्तिक को लेकर दोनों के बीच बहस हो जाती है। अपने आप से आपके दिल की फीलिंग्स आपके चेहरे पे साफ साफ दिखाई दे रही है नायरा, ऐसा नहीं है वेदिका। वेदिका के तीखे सवालों का सामना करना नायरा के लिए मुश्किल हो रहा है। नायरा के दिल में कार्तिक के लिए बेहद प्यार है, लेकिन नायरा हालातों के आगे लाचार है और उसकी ये लाचारी अब सपना बनकर उसके सामने आ रही है। नायरा और मेरा ड्रीम सीक्वेंस है जहाँ पे नायरा इमेजिन कर रही है कि वेदिका की क्या इनसिक्योरिटीज होंगी और उसके साथ उनकी खुद की क्या फियर्स हैं और उनके दिल की क्या फीलिंग्स हैं, बिकॉज वो उसको फेस नहीं करना चाहती। वो कार्तिक को लाइक करती है बट वो उस चीज़ को फेस नहीं करना चाहती। भाई सपने में भले ही सौतने लड़ रही हो, लेकिन हकीकत में हद तो तब हो गई जब नायरा का भाई नक्श कार्तिक के घर आया और नायरा के सामने ही वेदिका को तीज का सामान देने लगा। हमने हमारी मुंह बोली बहन को उसका तीज का तोहफा दिया हुआ है। हाँ, बहुत ही ऑकवर्ड सा सिचुएशन है। नक्श के जाने के बाद कार्तिक भी नायरा पर भड़क गया और अकेले में दोनों की जबरदस्त लड़ाई हो गई, जहाँ कार्तिक नायरा पर उसकी जिंदगी बर्बाद करने का आरोप लगाने लगा, तो वहीं नायरा भी कार्तिक को खरी खोटी सुनाने से पीछे नहीं हटी। कार्तिक नायरा का बहुत बड़ा झगड़ा हो जाता है स्टोर रूम में, और जैसे ही वो झगड़ा ख़त्म होता है तो कहीं ना कहीं उन्हें एहसास होता है कि शायद उनके बच्चे ने, कायरव ने, वो झगड़ा सुन लिया है और वो हमारी शादी की फ़ोटोज़ ढूंढ रहा होता है स्टोर रूम में, और वो शायद देख लेता है हमें। हम पूरे घर में ढूंढते हैं और वो वंश के रूम में टेबल के नीचे रोता हुआ मिलता है। नायरा कार्तिक की लड़ाई से दुखी कायरव जब टेबल के नीचे बैठकर रोने लगा तो कार्तिक नायरा भी उसे मनाने के लिए वहां पहुंच गए और कायरव के बहाने एक बार फिर देखी कार्तिक नायरा की हैप्पी फैमिली। इसके बाद बारी आई तीज की तैयारियों की, जहां वेदिका को कार्तिक के नाम की मेहंदी लगाई जा रही है और कायरव दूर खड़ा ये सब देख रहा होता है। मुझे तो मेहंदी वाली नहीं लगाई है बिकॉज तीज का फेस्टिवल सेलिब्रेट करना है, और मैं तो कार्तिक के लिए तीज का व्रत रख रही हूँ बिकॉज हर वाइफ अपने हस्बैंड के लिए रखती है। कायरव का दिल नहीं टूटे इसके लिए दादी उसे नानी के घर जाने की सलाह देती है, जिससे कायरव गुस्सा हो जाता है और घर वालों पर कार्तिक का गुस्सा भड़क जाता है। तीज की तैयारियों को देखकर कायरव अपनी मां नायरा को मेहंदी लगाने उसके रूम में पहुंच गया और नायरा को सोता हुआ देख चुपचाप उसके हाथों में मेहंदी लगाने लगा। कायरव की मेहंदी जैसे ही पूरी हुई नायरा की नींद खुल गई और कार्तिक की रूम में एंट्री भी हो गई। कार्तिक के सामने कार्तिक के नाम की मेहंदी से नायरा शर्मा जाती है और उठकर वहां से बाहर चली जाती है। वो देखते हैं कि वेदिका जो है वो भी मेहंदी लगा रही है, तो उन्हें कहीं ना कहीं लगता है कि उनकी मॉम को भी लगाना चाहिए, और सारी औरतें लगा रही थी, उनकी मॉम नहीं लगा रही, तो वो सो रही होती और तब वो कार्तिक लिख देते हैं मेहंदी से, और जब कार्तिक एंटर करते हैं रूम में तब वो थोड़ा सा फेस ऑफ हो जाता है। कार्तिक नायरा दूसरे को देखते हैं और मेहंदी देखते हैं। भाई अब तो कायरव ही अपने मम्मी पापा को मिलाएगा और इनका अच्छा टाइम आएगा। विशाल शर्मा के साथ प्रियांशु झा, मुंबई आज तक।